हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि मैजिक मूवी एडिटर में वीडियो के ऊपर आप क्लाइडोस्कोप इफेक्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर इफेक्ट और क्लाइडोस्कोप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या काम करता है। बहुत कमाल के इफेक्ट्स हैं, आप अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ ये टाइमलाइन के ऊपर, देखें अपने कंप्यूटर से। और इस वीडियो को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, कट, और इसको डिलीट करता हूँ टाइटल वगैरह इसका। और देखें अभी ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है। तो अभी मैं जाऊँगा फेल्स टाइटल इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। दूसरे नंबर पे आता है वीडियो इफेक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक ऑप्शन ओपन होगी, यहाँ पे डिस्टॉर्शन लिखा होगा, डिस्टॉर्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। वीडियो इफेक्ट्स वीडियो इफेक्ट्स और डिस्टॉर्शन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ सबसे नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा होगा क्लाइडोस्कोप या जो भी है, वट एवर क्लाइडोस्कोप। सबसे पहले मैं क्लाइडोस्कोप को जैसे चेक लगाऊंगा, देखें क्या करता है। ये देखें, ये कमाल का इफेक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हो तो ठीक है, इसको अप्लाई करें। ये देखें कमाल की चीज़ है, ये क्लाइडोस्कोप इफेक्ट है, ठीक है। आप अगर जाते हॉरिजॉन्टल, पहले मैं इसको अनचेक करता हूँ, अब देखें हॉरिजॉन्टल क्या करता है। हॉरिजॉन्टल नीचे आता है, हॉरिजॉन्टल मिरर सेंटर, इसको मैं चेक लगाऊंगा, देखें क्या करता है। ये देखें, ये दूसरे वाला इधर आ गया, वो दूसरा गायब हो गया। अब ये देखें क्या कर रहा है, ठीक है, इस तरह डबल रोल हो गया, ठीक है। इसको अनचेक करता हूँ, अब आ जाता हूँ, ये वाला आता है नीचे वर्टिकल मिरर सेंटर, देखें क्या करता है, डबल हो गई, एक नीचे को मिरर दिखा रहा है कि नीचे भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये है ना कमाल की चीज़, क्लाइडोस्कोप इफेक्ट। तो अगर आप इसको सारे को अप्लाई करो तो पता नहीं अजीब ही आइटम तैयार हो जाएगी, देखें, ठीक है, अजीब और गरीब वीडियो बन गई। तो इस तरह आप क्लाइडोस्कोप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला, परेशानी हो तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इल्म हासिल कर सकें। और चैनल सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है, जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होकर आप उसे इल्म हासिल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। शुक्रिया।